तो असुर 2 का ट्रेलर आया भाई, मेरे को ना भारत पूरे इंडिया के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेब सीरीज मैंने आज तक नहीं देखी भाई। ये लोग एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये लोग तीन तीन साढ़े तीन चार साल ले लेकर क्यों बनाते हैं मेरे को वो एग्जैक्टली समझ नहीं आता है। बट फिर भी मास ट्रेलर इज जस्ट मास क्लास। वो सस्पेंस, वो शॉकिंग वेव्स जो आते हैं जब आप ट्रेलर देखते हो, जब आप वो वेब सीरीज देखे, तो असुर इज अ मस्ट 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 वॉच। बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला था, स्टोरी डालने के बाद बहुत लोगों ने बोला भाई ऐसा क्या पसंद है आपको, मैंने तो देखा भी नहीं। तो मैं बता देता हूँ, मेरे लिए, मैं अपना प्रायोरिटी और अपना हिसाब का मैं सजेशन दे रहा हूँ, मेरे लिए भारत की सबसे शानदार वेब सीरीज आज तक कुछ आई है तो वो असूरी है, उसका सीक्वल आ रहा है भाई। तो वो मिर्जापुर 3, फैमिली मैन 3 भाई, ये सारे के सारे सीक्वल्स एज ऑफ जो असुर के मैंने वापस स्टोरीज डालने के बाद सब पूछ रहे थे, मिर्जापुर 3 के रिगार्डिंग सब पूछ रहे थे। तो मिर्जापुर 3 एंड फैमिली मैन 3 दोनों के दोनों भाई इसी साल आएंगे, 2023 में आएंगे। मुझे मुझे सच में मैं मेरे को क्या है कि कभी कभी लगता है, बिकॉज एक तो 35 to 40 मिनट्स के ये लोग एक एपिसोड बनता है इनका, तो उसको अगर कैलकुलेट करके इंटू 7 भी करो, मतलब 7, चलो पकड़ लो 10 एपिसोड्स, बिकॉज फैमिली मैन में लगभग 10 एपिसोड्स है, तो 10 एपिसोड्स पकड़ लो, तो अगर 30 मिनट 35 मिनट का भी 10 एपिसोड अगर पकड़ लो तो भी अगर देखा जाए तो ये फिल्म 300 मिनट्स ऑफ शूटिंग चलता है वहाँ पे, मतलब लगभग लगभग देखा जाए तो 4-5, 5.5 या 6, मतलब दो मूवीज शूट हो सकती है, दो मूवीज पकड़ कर चलो। लेकिन फिर भी ये लोग इतना 2-2.5-3 साल लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आता वेब सीरीज में इतना क्यों टाइम लगता है। बिकॉज उसमें क्या होता है कि प्रीकैप दिखाना पड़ता है, और 90% वेब सीरीज जो है प्रीकैप दिखाती नहीं है, और प्रीकैप नहीं दिखाने के चक्कर में क्या होता है कि भाई पिछले यार सारे जितने भी चीज़ें सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, इवन मैं भी भूल गया। अभी मेरे को असुर का प्रीकैप देखने के लिए जाना पड़ेगा 1 जून से पहले। तो एज ऑफ नाउ फैमिली मैन 3, मिर्जापुर 3, ये दोनों भी इसी साल आ रहा है। मिर्जापुर 3 मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में आएगी, एंड फैमिली मैन 3 मेरे को जहाँ तक पूछा है मैंने बंदों से तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर, एंड फैमिली मैन 3 मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर। ये इंटरचेंज भी हो सकती है, आगे पीछे के महीने में भी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली ये दोनों के दोनों 2023 के ही मटेरियल है, दोनों ही यहीं पे आएंगे। और उसके साथ तो भाई 1 तारीख को तो मतलब भारत का सबसे खतरनाक कब सबसे शानदार वेब सीरीज का सेकंड पार्ट आने वाला है। तो असुर का ट्रेलर मेरे को देखा जाए तो स्टार्टिंग से एंड तक, असुर 2 का मैं बात कर रहा हूँ, सेम वाइब्स, सेम मतलब वेव्स, सेम मतलब गूजबम्प्स, सेम मूवमेंट्स, सेम लुक्स, सेम अपीयरेंस, सब कुछ सेम लगा जो पहले वाले से लगा रहा था। बिकॉज ट्रेलर देखकर तो मोस्टली पता चल ही जाता है कि अंदर में मटेरियल क्या बना हुआ है, और वेब सीरीज में बहुत रेयर वेब सीरीज ऐसे होती है जो मतलब ट्रेलर अच्छा होता है और वेब सीरीज खराब हो, बहुत रेयर ही वेब सीरीज ऐसे होती है। तो असुर 2 ट्रेलर इज फैंटास्टिक, एंड मिर्जापुर 3 और फैमिली मैन 3 दोनों इसी साल आने वाले। तो भाई मतलब मैं तो वो इस पे तो एक तो फ्री है शायद, वो जियो जियो में आ रही है वो, तो ये तो इन लोगों ने मास्टर स्ट्रोक मारा हुआ है जियो वालों ने। इवन डंकी को इन लोगों ने, जियो का स्ट्रीमिंग राइट्स डंकी का जो है वो जियो वालों ने खरीद लिया। तो भाई ये तो मतलब बहुत वाइड वाइड मिलेगी, वाइड रिलीज मिलेगी, वाइड पब्लिक तक पहुँचेगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच असुर 2 ऑन 1 जून, और फैमिली मैन 3 मिर्जापुर 3 तो आ ही जाएगा भाई, ट्रेलर कुछ तो अनाउंसमेंट तो हो जाएगा रिगार्डिंग दैट। तो अपडेट से लगाओ, वीडियो से लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने।